पहली से लेकर चौथी क्लास तक के करीब 9000 बच्चों की क्लासेस शुरू की जा रही, यह जानकारी पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने दिए। आशीष देशमुख ने कहा कि अगर हम तुलना करें कॉलेज छात्रों से प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से, तो उनका मनोधैर्य और मानसिक स्थिरता काफी नाजुक होती है। आज कोरोना जैसी महामारी के कारण पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें उन्हें शैक्षणिक कार्यकाल में एक वर्ष का नुकसान भी हो सकता है। इसी बात पर हम काम करते हुए हमारे 1000 सारथी गांव में, समाज भवनों में, मंदिरों में उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रवाह में लाने का प्रयास इस माध्यम से करेंगे। आता जरी 5वी ते 12वी पर्यंत ज्या शाळा चालू झाल्या, तरी देखील 1वी ते 4वीचे मुलंही अजूनही घरीच, आणि त्यानिमित्ताने 11 महिन्याचं शैक्षणिक नुकसान हे फार मोठं असतं। अजूनही कोरोनाची भीती गेली नाही आहे, आणि म्हणून सॅनिटायझर असेल, मास्क असेल, सोशल डिस्टन्सिंग असेल, या सर्वचे नाव पाळत आम्ही काटोल नरखेड तालुक्याच्या जवळपास 325 गावांमध्ये शिक्षण अभियान राबवितो आहे। आणि शिक्षण सारथीच्या माध्यमातून मंदिरात असेल, समाज भवनात असेल किंवा जर शाळा मिळत असेल शासनाची तिथे असेल, आम्ही ह्या शैक्षणिक उपक्रम तिथे चालू करतो आहे। आणि ह्या सर्व मुलांचं जे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकत होतं ते थांबवण्याचे त्यानिमित्ताने आमचे प्रयत्न आहेत।